इंडिया ने किया एनडीए का किला ध्वस्त, कांग्रेस के बब्बर सिरने ने मारी बाजी, दर्ज की ऐतिहासिक जीत, भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ, कांग्रेसियों में जश्न। दरअसल आपको बता दें, झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जेएमएम उम्मीदवार बेबी देवी ने एनडीए के यशोदा देवी को करारी शिकस्त दी है। बेबी देवी ने एनडीए नेता को भारी मतों के अंतर से हराया है। बेबी देवी 17,000 से ज्यादा वोटों से जीती है। डुमरी सीट पर उपचुनाव 5 सितंबर को हुए थे, जिसमें 64.84% मतदान हुआ था। पिछले कई सालों से यहां झामुमो जीत दर्ज करती आई है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री और जेएमएम विधायक जगन्नाथ महतो के निधन की वजह से इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। उपचुनाव में कुल 6 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन मुख्य मुकाबला सत्ताधारी दल झामुमो और विपक्षी पार्टी एनडीए के बीच था। झामुमो ने जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी पर भरोसा जताया, जबकि आजसू ने पूर्व नेता दामोदर महतो की पत्नी यशोदा देवी को टिकट दिया। डुमरी उपचुनाव में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई। पहले चरण से चौथे चरण तक झामुमो की बेबी देवी आगे थी। इसके बाद 5वें चरण में 14वें चरण तक यशोदा देवी ने बढ़त बनाई, लेकिन 15वें चरण में बेबी देवी आगे हुई तो पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे निर्णायक बढ़त बना ली और चुनाव जीत लिया। 2024 के चुनाव से पहले राज्य में सत्ताधारी झामुमो के लिए यह बड़ी राहत है। वहीं आपको बता दें, बेबी देवी झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी है। जगन्नाथ महतो के मंत्री बनने से पहले वह कभी राजनीति में सक्रिय नहीं रही। उनका जन्म धनबाद के गेमों में हुआ। वह टुंडी विधानसभा क्षेत्र स्थित जीतपुर गांव के एक किसान परिवार से आती हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई की है। उनके दो भाई और एक बहन है।